कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर शीघ्र फसल बीमा कराने की अपील की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कोविड-19 के चलते किसानों को फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने में कठिनाई हो रही थी। यह संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश को एग्रो क्लाइमेट जोन के आधार पर 11 क्लस्टर में बांटकर बीमा कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के लाभ और रिस्क कवरेज के लिए सरप्लस शेयरिंग मॉडल के आधार पर चौथी बार निविदा आमंत्रित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के स्केल ऑफ फाइनेंस के रिस्क कवरेज प्रतिशत को 75% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया गया है। इससे किसानों को 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का रिस्क कवरेज मिलेगा। और सभी जिले के हमारे DDA राजस्व विभाग और कृषि विभाग का अमला सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। अभी जहाँ बाढ़ उतरेगी और उसके बाद में आकलन करेंगे और आकलन करके किसानों की जहाँ क्षति होगी उसको हर किसी चेचार के तहत और फसल बीमा की जो फसल आने वाली होगी। देखिए फसल तो बोली किसान ने 2 महीने पहले, लेकिन फसल तो आएगी अक्टूबर नवम्बर में, और जब अक्टूबर में फसल आएगी उस समय क्रॉप कटिंग होगी, उस समय पता लगेगा कि उसको कितनी क्षति हुई है। और इसलिए जब उसकी क्रॉप कटिंग के आधार पर पटवारी हल्का कर दिया हमने फसल बीमा का, और उस समय उसको मिलेगा क्षति तो उसी समय पता लगेगी। और RBC 6,000 में नजर के आकलन के माध्यम से भी हम कर देंगे, तो जैसे ही बारिश थमेगी किसान और हमारे कर्मचारी गांव में जाएंगे, पंचायत के सरपंच पंच और पंचनामा बना के बाकायदा वीडियोग्राफी करके और पूरा उसका आकलन करेंगे और ईमानदारी से किसानों को राहत देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं राजस्व मंत्री बना, मैं 10 साल विपक्ष में रहा, हमेशा कांग्रेस के मंत्रियों से हम डिमांड करते थे मुख्यमंत्री से कि बाबा आदम के जमाने से RBC बनी हुई है, इसमें बदलाव करो। कभी बदलाव नहीं किया किसी। जब मैं राजस्व मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमने RBC में परिवर्तन किया, सूखे को पाले को इल्ली को कराकर के आपना मैंने घोषित कराया था बाबूलाल गौर जी आता है, और 45 करोड़ उस समय दिए थे। और इसलिए कांग्रेस को तो कहीं नैतिक अधिकारी नहीं किसान के बारे में बोलने का, कुछ नहीं किया। फसल बीमा योजना 50 साल में लाए हो, मैं RBC परिवर्तन, हमने परिवर्तन किया, उसका परिणाम ये निकला कि जहाँ 5 करोड़ भी कभी नहीं दिए कांग्रेस के राज में पूरे प्रदेश में, वहाँ हमने 5,500 करोड़ RBC 6,000 में दिया और 5,300 करोड़ फसल बीमा में दिया है। इस प्रकार 10,000 करोड़ से भी क्षति का पूर्ति किसानों को अगर की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की है। दूसरा, अभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के नाम पर 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे, ये कर देंगे, और किया नहीं, घोषणा कर दी, आदर कर दिए, 2 लाख के कर्ज माफ किए गए, 48 लाख किसानों का, 54,000 करोड़ का, और बोर्ड में सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन छपवा दिया कर दिए गए, लेकिन हुआ नहीं, धोखाधड़ी की। और 18 का बीमा 15 महीने कांग्रेस की सरकार नहीं, 1 रुपया बीमा नहीं दिया, क्योंकि प्रदेश सरकार को अपना हिस्से का प्रीमियम जमा करना था बीमा कंपनी में, नहीं किया। जैसे ही मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी बने, उन्होंने पैसे जमा किया 2,200 करोड़, इसलिए 3,100 करोड़ किसानों को हमने 18 का पैसा अभी दिया है, जैसे ही शिवराज जी आए 4 महीने पहले। और अब 19 का भी इन्होंने नहीं दिया, जबकि 19 में भी कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री, 19-20 तक थे मार्च तक, और इसलिए 4,500 करोड़ उनको नहीं मिला। लेकिन उसमें एक और गड़बड़ की, दिया तो नहीं, लेकिन इन्होंने जो किसान की रिस्क रहती है 100%, इसके अलावा फाइनेंस का, उसका 75% कर दिया, जो पहले शिवराज जी के राज में भाजपा के राज में 100 था, उसको 75% करने से जहाँ 6,000 करोड़ 19 का बीमा अभी देने वाले हम, 6,000 करोड़ देते हैं, लेकिन इनने गलती की, इन्होंने धोखाधड़ी की किसानों के साथ, छल किया, और 75% जमा इसलिए किया कि इनको प्रीमियम कम देना पड़े, यानी ये किसान कहते थे कहाँ से हुए, और इसलिए 4,500 करोड़ ही मिलेगा किसानों को, नहीं तो 6,000 करोड़ मिलता, ये 1,500 करोड़ का डाका भी कमल लाते हैं, और इसका भुगतान उनकी बदुआएं लगी किसानों की, इसीलिए सत्ता से कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2018-19 की फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2,200 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार में आते ही स्वीकृत कर जमा कराया, जिसमें 16 लाख किसानों को 3100 करोड़ का फसल बीमा प्राप्त हुआ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।